शिक्षा वालों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी। दादाजी नहीं चलेगी। अरे सरकार चकराए। छुप छुप के फोटो निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छुप के फोटो निकालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऑनलाइन ऑनलाइन पॉलिटी के पीछे कौन है, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ऑनलाइन पॉलिटी के पीछे कौन है, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नितिन गडकरी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमारे पैसे पे अय्याशी करना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पैसों पे अय्याशी करना छोड़ दो, छोड़ दो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऑनलाइन पार्टी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऑनलाइन पार्टी नहीं चलेगी। एक्शन पार्टी ने जो हमको समर्थन किया, लाल बाटा सीपीआई, इन्होंने हमको समर्थन किया। समाजवादी पार्टी सोहेल खान, इन्होंने हमें समर्थन, फैसल खान साहब ने इन्हें हमको जो समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी ये सब इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जो तगर पार्टी आए, तमाम पार्टियों ने, समाजवादी, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, एमआईएम, सब पार्टी ने हमारे जो था उसका साथ में हमारा समर्थन है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जिसने ऐलान किया है कि हमारे तरफ से आपको सब कुछ समर्थन है। ये सब आगे अगर से हमारा ये 10 दिन के अंदर मुकम्मल जो तो हमारा ये जो हमने जो निवेदन दे रहे हैं ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर वो तहलका मचाएंगे और ये क्रांति चौक से मोर्चा निकलेगा और पूरा औरंगाबाद जाम किया जाएगा इंशाल्लाह। ये जो मोर्चे के साथ साथ हम जो है आंदोलन भी छेड़ेंगे, यानी उपोषण को बैठेंगे, उपोषण को पूरे रक्षे वाले इनके परिवार के साथ में जितने भी आज बोलो तो एक रक्षे वाले की 2, 4, 5 एक रक्षे वाले की जिम्मेदारी होती है। आप बताओ ये 100, 200, 300, 400, 500 रोज कमाता है, अपने परिवार को भोगने का काम करता हूँ, पाल पोषण का काम करता है। बताओ मुख्यमंत्री जी, आपने भी कई सालों तक रक्षा चलाया है, आपको अहमियत तो इसकी मालूम होना चाहिए। आपको मालूम भी होंगी कि एक परिवार को जो है तो पालने के लिए कितनी दिक्कत और कितनी परेशानी करना पड़ती है। 10 दिवस तुमच्या मागणे मान्य नाही झाल्या तर तुमचं पुढचं पाऊल सांगा, मोर्चे असणार, निदर्शने असणार तर रस्त्यावर उतर, नेमकं काय करणार, नेमकं काय करणार। आपने हमको सवाल पूछा अगला कदम हमारा क्या है। देखो हमारा कदम वो रहेगा पूरा, सबसे पहले तो औरंगाबाद के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। दूसरा हमारा मुद्दा है पूरा रोड रोको आंदोलन रहेगा, जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिस है उसके सामने पूरे ऑफिस को जो तो लॉक किया जाएगा। कलेक्टर ऑफिस हो, जैसा डिविजनल कमिश्नर हो, कमिश्नर ऑफिस हो, बड़े ऑफिस हो, यहाँ पे जो है तो चक्का जाम करके इनको पूरा किया। शहरात 35 ते 40 हजार रिक्शा है, चालक मालक 80-85 हजाराच्या घरात आहे, आज तुमच्याकडे उपस्थिती फार कमी आहे, काय सांगाल याबाबत? अभी आज के पोजिशन में हमारे वसीम भाई परमिशन लेने के लिए गए थे, वहाँ से उनको थोड़ी सी शक्ति मिली कि अब 5, 50, 100 लोग के आगे जो तो इसका मोर्चा नहीं होना चाहिए। इस बुनियाद पर हमने ये मोर्चे को थोड़ा सा मोर्चा, क्योंकि ये पहला निवेदन है, ये निवेदन के अंदर हम देखना चाहते हैं यानी सरकार कहाँ तक इस पर एक्शन लेती है, यानी हमको जो पुलिस प्रशासन की तरफ से हमको जो इसकी गाइडिंग मिली है वही हिसाब से हमने ये मोर्चा निकाला। क्योंकि इनको सख्ती से कहा गया था तुम्हारा बड़ा मोर्चा होगा तो हम कांग्रेस से कई अपने ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपको इसकी तो आपको सजा भुगतना पड़ेगी। इस बुनियाद पर हमने लोगों को अगवा की कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 50 लोगों से ज़्यादा ये मोर्चे के अंदर ना रहे, बस सिर्फ जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया, जो खास खास लोग हैं जो इसके अंदर हमको समर्थन गई ये खास ये लोगों को बुलाया गया। इसके बाद हमारे मोर्चे की अगर से मांग नहीं होती है तो आप देख लेना औरंगाबाद के अंदर इसका इतिहास गवाह रहेगा
कितना पूरा उनके परिवार के साथ में, इनके पूरी फैमिली के साथ में, पूरे खानदान इनके जो छोटे छोटे बच्चे के साथ में ये मोर्चा लाया जाएगा। चिकलठाणा ते वाळूज जे रिक्षा चालतात त्या अर्धे अल्पवयीन आहेत, काही जणांकडे बॅज बिल्ले नाहीत, काही नशा पाणी करून चालतात। रात्री 8 वाजेच्या नंतर शहरातील काही रिक्षा चालक नशा पाणी करून त्यांनी रिक्षा चालवतात, याबाबत तुम्ही काय सांगा? हम इनका कोई समर्थन नहीं करेंगे। सुन लो ठाकरे साहब, ऐसे लोगों का हमको समर्थन नहीं रहेगा। रक्षे वालों को मैं भी बोल रहा हूँ, अगवा कर रहा हूँ, जो इल्लीगल है, जो कानून को तोड़ता है, तो हमारा उसके साथ में सपोर्ट नहीं रहेगा। हमारी तरफ से उनको कोई ये नहीं रहेगा, ये हमारा कहना है। हाँ, अगर से कोई रक्षा वाला लीगल तरीके से रक्षा चलाता है तो उसको हम खांदे से खांदा लगाकर जो है तो प्रशासन से उसकी पूरी लड़ाई लड़ेंगे और आपको हक दिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री साहब, आप तक क्या रिक्शा वालों का दर्द पहुंच रहा है? क्या आपको ये रिक्शा वालों का दर्द सुनाई दे रहा है? तो बाखूबी आप इससे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब आपकी भी एक पहचान रिक्शा वाला ही से हुई है, क्योंकि आप भी फ्यूचर में कभी रिक्शा चलाते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि हमसे बेहतर रिक्शा वालों के दर्द को कोई नहीं जानता जितना आप जानते हैं। तो मैं आज प्रशासन से, शासन से यही हमारी एक डिमांड रहेगी कि जो रिक्शा वालों को आप ऑनलाइन पावती दे रहे हैं, वैसी ऑनलाइन पावती आप क्यों नहीं बसेस वालों को, लग्जरी वालों को देते हैं? शाम के टाइम में आपका शासन प्रशासन कहाँ सो जाता है जब ये लग्जरी वाले एक्स्ट्रा सीटा बिठाकर जो प्रवास कराते हैं और कई एक्सीडेंट होते हैं। आप एक रिक्शे का एक्सीडेंट बता के दिखाओ। रिक्शे वाले जितने भी हैं वो सब अपने नियम में और अपने कॉन्फिडेंस से रिक्शा चलाते हैं, जो शहर की गली गली घूमकर लोगों को, पेशेंट को अपने अपने घरों तक और हॉस्पिटल तक और अपने ऑफिस तक पहुंचाने का काम सिर्फ ये रिक्शे वाले करते हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि अभी तो ये झांकी है, अभी तो मुंबई का आजाद मैदान बाकी है। आज जैसा फैसल भाई ने बताया कि रिक्शे वालों की तादाद कम है, तो मैं फैसल भाई को बताना चाहूंगा कि फैसल भाई कैसा है। अभी 2 दिन से स्कूलों की छुट्टी थी और बहुत सारे हमारे रिक्शे वाले भाई जो स्कूलों के ऊपर रिक्शे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी एक मजबूरी है, क्योंकि बच्चों को ले जाना है, छोड़ना है। लेकिन आने वाले समय में जैसा फैसल भाई ने कहा है, हम स्कूल के ही डे में रिक्शा बंद करेंगे जब स्कूल चालू रहेंगे, और तब पूरे रिक्शे वालों को यहाँ पर लाएंगे। और हम बच्चों के पेरेंट्स से भी कहेंगे कि आप बच्चों को एक दिन के लिए स्कूल मत भेजो और उनको हमारे साथ में, हमारे इस मोर्चे में और एक मुहिम में शामिल करो। मैं आए हुए सभी जिम्मेदारों का गब्बर एक्शन कमेटी औरंगाबाद की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई देता हूं, और CPI समाजवादी पार्टी, हमारे साहेब खान पठान बाबा मित्र मंडल, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और पत्रकार बंधु, इन सबका मैं, पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने सहयोग किया इस मोर्चे के लिए, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आगे की बात हमें ये जिम्मेदार बताएंगे। लोगों का जो मोर्चा निकला उसके लिए वही बोलना चाह रहा हूँ कि रिक्शा वालों की तादाद इसमें ज़रूर कम है, लेकिन रिक्शा वाले फिर भी ये जो जिम्मेदार रिक्शा वाले हैं सब आए हैं और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रिक्शा वालों की जो डिमांड है, ऑनलाइन पावती बंद होना चाहिए। ऑनलाइन पावती कभी भी फोटो खींच रहे दे दे रहे रिक्शा वाले को, ये गलत है। इसके लिए हमने पहले भी निवेदन दे चुके सरकार को और पूरे महाराष्ट्र की सरकार को निवेदन दिया है, अभी भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो, ऑनलाइन पावती बंद हो और रिक्शा वालों को स्टैंड मिलना चाहिए और रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड रिक्शा ये चालू होनी चाहिए, क्योंकि प्रीपेड रिक्शा से लोगों को, आने वाले मुसाफिरों को फ़ायदा होता, शहर में बाहर से आने वालों को फ़ायदा होता। इसलिए सब रिक्शा वालों से विनती है, हमने रिक्शा चालक संयुक्त पूर्वी समिति की तरफ से इनको हमने सपोर्ट दिए। रिक्शा वालों का मसला है, साहेब खान पठान जो आगे बढ़े हैं, गब्बर कमेटी आगे बढ़ी है, उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने लाल बाटा के अभय टकसाल साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन वो अपना टाइम निकाल के यहाँ पर मोर्चे में आए, इसलिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे दोस्त
रिक्शा वाला कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं तो खुद का वाला रिक्शा वाला कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं तो खुद को रिक्शा वाला कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारी थाली में रोटी क्यों नहीं है जवाब दो, जवाब दो, हमारी थाली में रोटी क्यों नहीं है जवाब दो, हमारे बच्चे शाम को रोते क्यों है जवाब दो, हमारे बच्चे चॉकलेट मांगेंगे देना क्या जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। बंद करो ऑनलाइन पार्टी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो, फडणवीस के मोर्चे से ट्रैफिक जाम नहीं होता क्या जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, देवेंद्र फडणवीस के मोर्चे से ट्रैफिक जाम नहीं होता क्या जवाब दो, जवाब दो, आप सबको, आपको जैसा पता है आज 17 तारीख को आपके मीडिया के द्वारा जो है तो माध्यम से जो है तो बताया गया था कि 17 तारीख को जो है तो यहाँ पर से जुलूस निकलने वाला है रिक्शे के वाले के वास्ते में, जो रिक्शे वालों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में जो है तो यहाँ से जुलूस निकला ऑनलाइन पौते के विरोध में। जैसा आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से इसा गाजी साहब मेरे को फोन के ऊपर कॉन्टेक्ट करे थे, उनको मालूम था और उन्होंने कई वक्त में से आके मुलाकात भी की। एमआईएम की तरफ से इसा गाजी साहब का शुक्रिया अदा करता मैं कि हमारे रिक्शे वालों के वास्ते आप आए। और अभी गब्बर एक्शन कमेटी, भ्रष्टाचार समिति, औरंगाबाद मुस्लिम अवामी कमेटी और बहुजन वंचित आघाड़ी, औरंगाबाद बचाओ संगठना, ये सभी लोग हमारे को सपोर्ट कर रहे। आप देख रहे हैं क्या, धीरू अंबानी से ज्यादा अगर कोई पैसे वाला है आज के दौर में तो वो रिक्शे वाला है। ये मेरे कने जो है तो ये पौती है 1,00,000 रुपए की, बोले तो 1,00,000 रुपए की कैसी पौती है कि एक टाइम पे 1,500 रुपए, यानी एक टाइम की बात कर रहा मैं, एक दिन के अंदर 7,000 रुपए की पौती है। और गाड़ी है 4 स्ट्रोक, उसको दिया जा रहा बड़ी गाड़ी की पौती। ये पुलिस की दादागिरी है, 400 BC आप देख सकते हैं, ये 400 BC कैसी चढ़ी पुलिस की, क्या पुलिस अधिकारी कोई अंदर नहीं रहता, इनके कहने गवर्नमेंट का कैमरा है जो हमारे माध्यम के पैसों से चढ़ रहा आजकल, जो जूम करके भी आप देख सकते हैं। तो ये गाड़ी जो है तो कौन सी यार, ये गाड़ी कौन सी है ये आप देखो, आप पौतिया कौन सी गाड़ी को कौन सी मिल रही, एक टाइम के ऊपर 1,500 रुपए की पौती है, फिर एक घंटे के बाद जो है तो उसको दिए जा रही फिर 1,500 रुपए की पौती। ये देखो क्या रिक्शे वाला इतना अमीर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिसकी चढ़ी है एकनाथ शिंदे साहब, वो भी एक रिक्शे वाले है। मैं आपको बता देता, यूपी के अंदर जो योगी सरकार है उन्होंने लॉकडाउन से लेकर 2023 आज तक उन्होंने वातुक सेना की जितनी भी पौतियां थी वो बंद कर दिए और उन्होंने माफ करे, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कर सकती है क्या माफ, वो बंद नहीं कर सकती है क्या? रिक्शे वाले आज जब मतदान लेने के वास्ते सभी पार्टी के लोग आते हैं, आज जो सत्ता में भी है और जो विरोध में भी है, रिक्शे वाला गली गली के अंदर प्रचार वही पार्टियों का करता है जो पार्टी उनके कने आती है। मतदान हमारा 2,00,000 है, हमारा भी MLA बन सकता, हमारा भी खासदार बन सकता, अगर अब हमारे ऊपर अत्याचार बंद नहीं होता है तो हम 8 दिन के अंदर आपको बता देंगे, हर गली हर चौरास्ता लॉक कर दिया जाएगा, पूरा महाराष्ट्र को हिलाने की ताकत रिक्शा वाला रखता है, 24 घंटे रिक्शा चलाता है। और क्या इसके वास्ते सेवा, गवर्नमेंट से कोई योजना नहीं मिली गई है। एक कामगार कार्ड आता मजदूर का, वो 8 घंटे ड्यूटी करता, उसका कामगार कार्ड बनने गया, आज जो है तो आजादी के बाद से टांगे के बाद से निकला है रिक्शा, उसकी तारीख और आज की तारीख 2023 चल रहा, इसके अंदर रिक्शे वालों के वास्ते कौन सी योजना निकले गई, कौन सी सब्सिडी निकले गई। अभी SBI बैंक को भी जो है तो गवर्नमेंट से मान्यता है, जबकि प्राइवेट है वह गवर्नमेंट से मान्यता है, तो क्या आप उसको सब्सिडी का गवर्नमेंट से नहीं निकाला जाता, क्या रिक्शा वालों के वास्ते सब्सिडी नहीं दिया जाता? आज देखो 6,50,000 रुपए की गाड़ी हो गई, मेट्रो सिटी होगा, 5-10 गाड़ियों का स्टैंड है, क्या रिक्शा वालों को 20 गाड़ियों का स्टैंड नहीं मिलेगा? ठहराव पॉइंट नहीं होना चाहिए, जब दादागिरी चढ़ी तो रिक्शा वालों के ऊपर। आप मेरे को ये बोलो कौन से फोर व्हीलर वालों को आपने लगाए, RTO ऑफिस के अंदर आप जाके देखो, कोई भी फोर व्हीलर वालों को नहीं लगाए हुए साहब, कोई भी टू व्हीलर वालों को नहीं लगाए हुए। रोड के अंदर अगर किसी से दुश्मनी मोले जाती है तो सिर्फ रिक्शा वालों से, कि रिक्शा वाला इतना बड़ा काटा है क्या? आज 24 घंटे कोई अगर पैकेट भूल जाता है, कोई पर्स भूल जाता है तो पुलिस अधिकारी कहने ये रिक्शा वाला पहुंचा था, वो रिक्शा वाले की तारीफ होती है। हमारे उसमें एक रिक्शा वाले ने गलती करा तो क्या सब रिक्शा वालों को जो है तो सजा देंगे आप, और पौते पे पौते देंगे? हमने औरतों की चीजा बेचे, घर के बाटले बेच रहे, बर्तन बेच रहे, ब्याज से पैसे उठा रहे, हम कहां से करेंगे? अगर 8 दिन के अंदर ये पौते पूरे बंद नहीं होते हैं तो इसके बाद बहुत बड़ा मोर्चा निकलेगा, हम में से जो है तो कोई ना कोई आज ये बता देंगे आपको कि हम पूरे रिक्शे वाले आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे। और ये पौते रद्द होना, ये ऑनलाइन पौते पूरे बंद होना,
ये ऑनलाइन पहुंचे, आप बैठे बैठे किसको इन्फॉर्म करके जो है तो पहुंचे खींचे। और आपको बता दूं कि घाटी के अंदर जो चापलूसी का काम चल रहा है, वॉचमैन के थ्रो कौन सा ट्रैफिक वाला उसमें इन्वॉल्व है, और वो घाटी है, एक बीमार पेशेंट आता है, बीमारी बताने के वास्ते आता है साहब, वहां पर भी जो है तो वो जो वॉचमैन खड़े हुए, आप खासदार साहब से बात करिए, टीम से बात करिए, पुलिस कमिश्नर से बात करिए, वो वहाँ के जो वॉचमैन आए वो फोटो खींचे, और वो दो मिनट के अंदर ट्रैफिक वाले को दाड़े, और ट्रैफिक वाला 1500 रुपए की पावती भेज रहा, जबकि घाटी के अंदर अलाउड नहीं है ट्रैफिक, और वो कैसा भेज रहा, इसमें कैसा इनको इतनी छूट दी गई है, कमिश्नर साहब ने क्या उनको भी पावर दिए हुए कि दादागिरी चलेंगी, ये सैन्य वाला रिक्शा वाला दादागिरी है नहीं, आप रिक्शा वाला उसके हैसियत उसके औकात और पावर बता देंगे आप। वसीम खान, अस्सलाम वालेकुम। ये जो औरंगाबाद में रक्षा वालों के खिलाफ में जो पुलिस की जाती है और आईटू की जाती है, इसके खिलाफ में जो इन्होंने वसीम खान ने और हमारे इन्होंने लतीफ खान ने जो मोर्चा निकाला, मैं मेरे तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट है और पूरा ये मैं आपके माध्यम से पुलिस कमिश्नर साहब को और औरंगाबाद के आईटीओ को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 50,000 की 1-1 लाख की जो पौते दे रहे ये नाजायज से, इसके लिए कहीं ना कहीं रोक होना चाहिए। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम की तरफ से खासदार इम्तियाज अलील साहब, शहर अध्यक्ष शहर की नजबंदी साहब, इनका पैगाम इनको देने को आया कि ये रक्षा वालों के साथ में मजलिस खड़ी भी हमेशा खड़ी हुई, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम लोग इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और अगर ये मोर्चे के बाद में भी अगर नहीं होता तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम इनके साथ में रह के हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगी कि भाई एक पार्किंग में खड़े रहने वाली गाड़ी को 1 लाख रुपए 50,000 रुपए की कैसी पावती दे सकता है कोई पुलिस वाला। और जो 4 सीट का अगर किसी ने लेके जा रहा तो 4 सीट का नियम में उसका जो नियम है वो नियम के हिसाब से उसको पावती देना चाहिए, नहीं कि 25,000 30,000 रुपए की पावती देना चाहिए। और कोई अगर हम इसके भी समर्थन में नहीं है, किसका लाइसेंस नहीं है तो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चला रहा, कोई ड्रेस नहीं तो ड्रेस के बगैर चला रहा, या कोई पेपरा कमजोर है उसकी भी तुम दे सकते हो पावती, पर उसका नियम के हिसाब से दो पावती, उसका जो कायदा है कायदे के हिसाब से दो, ताकि वो बेचारे रक्षा चलाए कि घर चलाए कि तुम्हारे पावती भरते बैठे। कई लोग ऐसे है कि आत्महत्या के करने के कतार पे खड़े हुए, तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये बोलता हूँ कि भाई ये रक्षा वाला गरीब रक्षा वाले वो रोजी मजूरी करा के काम करते, 400 रुपये रोज से गाड़ी लाते, 400 रुपये रोज निकलना, पेट्रोल निकलना, बाद में उनका घर जाना, और एक पैसे अगर उन्होंने अगर तुम्हारे इसमें 25,000 30,000 डाल दिए तो कौन क्या हुआ। तो मैं कमिश्नर साहब से भी दरखास्त करता हूँ, आईटो औरंगाबाद आईटो से दरखास्त करता हूँ कि आप इसके तरफ तवज्जो दो और जल्द से जल्द इसका निवारण करें। अगर नहीं होता तो कुछ दिनों में हम हाई कोर्ट में क्या कहेंगे आज जो विभाग आयुक्त आपने जो निवेदन देने आए थे, क्या आश्वासन मिला आपको साहब की तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साहब का बड़ान ह्यूमन राइट महाराष्ट्र प्रेसिडेंट, आज हमने रक्षे वालों के इसलिए आवाज उठाई कि इनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है और बहुत जुल्म प्रशासन की तरफ से। ऑनलाइन पावती जिसको 5,000 2,000 3,000 5,000 यहाँ तक के पावती हमने 95,000 रुपए की पावती देखे, आप बताइए 95,000 रुपए की पावती और उसका रक्षा 30,000 रुपए का, बाकी के पैसे इन्हें लाना कहाँ से? ऐसा लगता है कि उन्हें घर बैठ के प्रशासन की पूरी करना चाहिए। आज इतना जुल्म और ज्यादती और इतना बढ़ चुका है रक्षे वाले के ऊपर, आज हमने इसलिए ये कदम पहला उठाया है और एक निवेदन दिया है, एंटीमेटम दिया है कि इसके ऊपर फौरन इसका जल्दी से जल्द निर्णय लिया जाए, और अगर से इसका निर्णय नहीं लेती है सरकार तो ये आंदोलन आजाद मैदान तक जाएगा, आजाद मैदान तक जाएगा, ये आवाज वहां तक गूंजेंगी और पूरी संगठनाएं पूरी पार्टी हमारे साथ में रहेगी और पूरे औरंगाबाद के अंदर चक्का जाम किया जाएगा। ये सरकार को चैलेंज है, अल्टीमेटम देते हैं और इसको आगाह करते हैं, ये 10 दिन के अंदर ये सरकार अगर से जागती नहीं है तो ये आवाज पूरे औरंगाबाद के नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर गूंजने वाली है, और ये सरकार रक्षे वाली गिराने वाली है। ये रक्षे वाले नहीं उनको चुनकर लाया, मुख्यमंत्री बनाया और ये ओहदे पर जो बिठाया, तो आने वाले रक्षे वाले ही इनको जो है तो गिराने का काम जरूर करें। सर, मुख्यमंत्री भी ऑटो रिक्शा चलाते थे, क्या मुख्यमंत्री को ऑटो रिक्शा ड्राइवरों का दर्द महसूस नहीं होता? भूल गए ना साहब, जैसी पद आ गई ये हमारे मुख्यमंत्री साहब इसको अनजान मारकर जो तो भूल गए, उन्होंने तो इसका दर्द याद करना चाहिए, क्योंकि रक्षे वाले के ऊपर कैसे हालात आते हैं,
कैसे कैसे उनके ऊपर मामला, कैसा वक्त उनको गुजारना पड़ता है 200-300 रुपए कमाने वाले, ये तो पूरी अहमियत हमारे मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, यहाँ के हमारे प्रदीप जायसवाल साहब को भी समझना चाहिए। ये अगर से इनके ऊपर, इन्होंने सबसे पहले आगे आना चाहिए था, इन्हें आवाज उठाना चाहिए था, लेकिन ये काम मुख्यमंत्री का और प्रदीप जायसवाल साहब का, ये हम कर रहे हैं, ये हमारे संगठन ही कर रही है, ये हमारे साथ ही कर रहे हैं, ये हमारे हाफिज गब्बर एक्शन कमेटी की जो हमारे हाफिज भाई, हमारे जो है तो समाजवादी पार्टी के जो शहर अध्यक्ष फैसल खान साहब, हमारे जो है तो एडवोकेट अबे टकसाल साहब, हमारे मुश्ताक भाई जो अपने बीआरएस पाटिल के पार्टी के जो वसीम भाई है, हमारे जो है तो लतीफ भाई है, ये तमाम जो होते संगठन साथ में आकर ही जुड़ी है। ये तो काम हमारे मुख्यमंत्री का है, लेकिन छोटे मोटे लोग का इसने गरीब की आवाज उठाई, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं। और आने वाले इनको मैं बोलना चाहता हूं, इससे ज्यादा आपकी तादाद के अंदर आपका पूरा सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह हम पूरी सरकार को हिलाने का काम जरूर करेंगे। आपका नाम बोलिए। मैं साइफ खान पठान, ह्यूमन राइट इंटरनेशनल, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट। तो कहीं भी पुलिस वाले खड़े रहे के फोटोज मार दे रहे हैं, और वो फोटोज कैसी हो रही है देखिए सर। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।